महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके जीवन में किसी भी रिश्ते में धोखा मिलने से पहले आपको 5 संकेत मिलते हैं या कुछ बातें होती है जो आपको कोई भी रिश्ते में धोखे से पहले इन्हें समझ जाना चाहिए। अगर आप इन संकेतों को, इन बातों को समझ जाएंगे तो शायद आप जैसे जो भावुक और सरल व्यक्ति हैं वो इन धोखे से, उन धोखाधड़ियों से बहुत जल्दी बाहर भी निकल पाए और आपको धोखा ना हो पाए, आप चीज़ों को समझ पाए। क्योंकि रिश्ते आज के जो चल रहे हैं उसमें मुझे बहुत बार ये कमेंट्स मिलते हैं, मैं बहुत से लोगों से बातें करता हूँ, उसमें ये बात ज़रूर समझ में आती है कि उन्हें धोखा मिला है। और वो कुछ चीज़ें होती है जो खुद के ऑब्जर्वेशन से कहते हैं, कुछ मेरा ऑब्जर्वेशन और उसके बाद कुछ बातें हैं जो निकल के बाहर आई है, तो उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है और सकारात्मक है। तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक आप देखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको सही सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि आपके जीवन में सकारात्मकता प्रदान करेगा। तो इस वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। वो इसलिए करें ताकि आपको सकारात्मक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दूसरी बात है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे अच्छा लगे, सकारात्मक लगे। तीसरी और मुख्य बात है कि अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क लागू है दोस्तों। अब सबसे पहली बात कि जब भी किसी रिश्ते की जो नींव होती है वो विश्वास होती है, ठीक है। और विश्वास जो है उसका मूल आधार होता है सत्य। विश्वास वही होगा जहाँ सच होगा, और जहाँ सच होगा वहीं विश्वास होगा। दोनों एक सिक्के के पूरा पहलू है। तो पहला संकेत कि जब भी कोई व्यक्ति आपके उन रिश्तों में, चाहे वो प्यार का हो, दोस्ती का हो, मित्रता का हो, कोई सा भी रिश्ता हो, उसमें अगर झूठ आप बार बार पकड़ रहे हैं कि ये झूठ है, कई बार वेरीफाई होने के बाद हमें पता लग जाता है कि ये झूठ है। हाँ, कुछ पॉजिटिव वजहों के लिए झूठ बोलना एक अलग विषय है, लेकिन जो कोरा झूठ दिख रहा है कि ये झूठ है, तो उस पर हमें गौर करना चाहिए। इसका ये मतलब है कि ये व्यक्ति आज हमसे, हम इन पर विश्वास कर रहे हैं और ये झूठ बोल रहे हैं, तो आने वाले समय में ये हमसे धोखा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि कई बार रिश्तों में हमें हूबहू जो बातें हैं वो दूसरों से सुनने को मिलती है। मतलब वो जो बातें हमारी दो व्यक्तियों के बीच की बातें हैं, जो गोपनीय बातें हैं, जिन्हें गोपनीय नहीं कह सकते, जो बातें हम तक सीमित रहना चाहिए, वो बातें घूम फिर कर वापस हम तक आ रही है। मतलब सीधी सी बात है कि वो बातें कहीं ना कहीं से लीक हो रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में भी आप फेस कर रहे हैं तो पहले चीज़ों को समझ जाए। तीसरी बात है कि जिस भी रिश्ते में निस्वार्थ भाव नहीं हो, जैसे कि किसी धन का लेन देन हो, किसी चीज़ का लेन देन हो, या किसी चीज़ की आवश्यकता हो, जो आवश्यकता शायद आप नहीं ऑब्जर्व कर रहे पर सामने वाला व्यक्ति उस आवश्यकता के लिए आपसे जुड़ा है या कॉन्टैक्ट में है, तो प्लीज़ उन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि उसकी आवश्यकता पूरी होने के बाद वो आपसे कोई मतलब नहीं रख सकता और वो चीज़ें नेगेटिव में जा सकती है। चौथी बात है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब भी कोई रिश्ते में धोखा मिलता है या कुछ भी चीज़ें ख़राब होती हैं, उसमें तीसरे व्यक्ति की कही सुनी बातें होती है, तो ऐसे लोगों से भी सावधान आपको रहना है। पांचवी बातें हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ, आप ईश्वर का जप करें और ईश्वर का नाम लें, सभी चीज़ें पॉजिटिव होगी। ओम नमः शिवाय।